Hello and a very warm welcome to all of you. You are watching Meet the Guru, and today the guru we have with us here is Manorama Pandey. She is TGT Science from SPM School, Lajpat Nagar, New Delhi. Besides being a great, great teacher, she is practicing happiness classes in her school. We know that happiness is very important, and agar isko अपनी स्टडीज के साथ लाया जाए तो आइडिया कितना ही ज्यादा अमेजिंग बन जाता है. तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, अभी हम मनोरमा जी से सुनते हैं कि व्हाट इज इट मैम, बिकॉज वी हैव हर्ड अबाउट हैप्पीनेस करिकुलम, बट हैप्पीनेस क्लासेस ये जो ऑनलाइन के टाइम पे आ रही है, ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे, दीज आर द टफेस्ट टाइम्स वी आर विटनेसिंग राइट नाउ फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स एज वेल. तो ये किस तरीके से, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग्स इन द करिकुलम, एंड how what is it, just I'm very curious to know about that, though we have done a proper show with you, but our audience, the new audience who is watching this show, they really want to know a little bit about that. Thank you, Prachi. Thanks for calling me second time in this program. जो ये हैप्पीनेस क्लासेस था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड में हमने स्टार्ट किया था, वो इसलिए किया था कि जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, क्योंकि उनके स्कूल्स मार्च एंड में इनका बंद हो गए थे स्कूल, और ये घर से क्लासेस ले रहे थे. तो हमने सोचा कि अपार्ट फ्रॉम द स्टडी हम इनको कुछ ऐसा दें कि इनका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, और जो इनकी बोरियत है घर में रहने से वो इनकी बोरियत दूर हो जाए, क्योंकि हर किसी को हॉलीडे तो पसंद आता है, पर वो हॉलीडे कुछ दिन का ही अच्छा लगता है. अब जो लंबा टाइम हो जाए कि आप घर में बैठे हुए हो तो फिर बहुत बोरियत हो जाती है, बच्चों का इंटरेस्ट कम होने लग जाता है, और घर में घर से ज़्यादा प्यारा तो बच्चों को स्कूल लगता है, तो अपने फ्रेंड को मिस करते थे, टीचर को मिस करते थे, अपनी छोटी छोटी हरकतें मिस करते थे. तब हमने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ हम ऐसा करें इनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये थोड़े से हैप्पी रहें इस घर के अंदर भी. तो हमने हैप्पीनेस क्लासेस स्टार्ट किया, इसमें बहुत सारे कोर्सेज हमने रखे थे. सपोज जैसे हमने डांस रखा, म्यूजिक रखा, योगा लिया इसके अंदर, और पेंटिंग लिया, आर्ट एंड क्राफ्ट लिया था इसके अंदर. इसकी क्लासेस हमने ऑर्गेनाइज किया, हमारे स्कूल के टीचर्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, और इवन दूसरे जो लोग थे, जो हमारा पेरेंट्स थे या हमारे एक्स स्टूडेंट्स थे, उनको भी हमने इसके अंदर इन्वॉल्व किया कि वो लोग भी आके हमारे बच्चों से बात करें, उनको सिखाएं कुछ. तो ऐसा किया था, जब मेरे पास ये टॉपिक आया कि आपने भी एक क्लास लेना है, आप साइंस के, तो कुछ इनको इस पैंडमिक कंडीशन में कुछ समझाओ, तो मुझे हेल्थ एंड डिजीज लिया इसमें. तो उस टाइम पे लगा कि भाई हेल्थ एंड डिजीज को कैसे समझाओ, पता तो सबको है ये चीज, डिजीज भी पता है, हेल्थ भी पता है, फूड भी पता है. तो इसके लिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक इंटरेस्टिंग पीपीटी बनाए, स्मार्ट पीपीटी बनाऊं इसके लिए, और कुछ एक्टिविटीज को इसमें लेकर आई मैं. तो ये जब दिखाया मैंने, तो मेरे हिसाब से 20-30 मिनट्स का मेरे लिए हो गया था, और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, और उस टाइम पे तो उनके पेरेंट्स भी उनके साथ उनके घर में थे, तो उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज को कि हमारे बच्चों को ना ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आया, और उनको बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देख के कि छोटी छोटी एक्टिविटीज के थ्रू आप. तो यहाँ पे अपने व्यूअर्स और स्टूडेंट्स पेरेंट्स, एग्जैक्टली मनोरमा जी, मैं अपने स्टूडेंट्स टीचर्स एंड पेरेंट्स जो भी है हमारा शो जो देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी दैट मनोरमा जी एंड उनके साथ दो टीचर्स ने एक हमारा जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस शो है, विच इज टीचर्स कॉन्क्लेव, टीचर्स कम एंड प्रेजेंट देयर व्यू पॉइंट, उस पर एक प्रॉपर उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम के ऊपर एक शो किया है, एंड शी हैज एक्सप्लेन सर्टन थिंग्स एंड द एक्टिविटीज दैट कैन बी डन इन द ऑनलाइन क्लासरूम एटमोसफियर. सो प्लीज स्टूडेंट्स, यू शुड गो एंड वॉच दैट शो, एंड यू विल गेट टू नो डिफरेंट एक्टिविटीज दैट यू कैन डू वाइल स्टडिंग एंड मेकिंग साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स सो मच फन. सो मनोरमा जी ने भी एक हमारे साथ एक सेशन किया था, जिसको यू शुड गो एंड वॉच. मनोरमा जी, इसी के साथ really want to know कि ये सारी जो चीजें हैं काफी नई हैं, एक तो ऑनलाइन क्लासरूम्स ही नए हैं, उसके साथ जो ये इस तरीके की एक्टिविटीज ऑनलाइन होती हैं, these are also very new, right? आपको I believe you have over a decade of experience, और ज़्यादा ही I believe. तो ये कैसी जर्नी रही है, और किस तरीके के डिफरेंट फेजेस जो है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस सर्टेन काइंड्स ऑफ फेजेस, जो कि एजुकेशन सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं, हाउ हैज बिन अ जर्नी फॉर यू, डू यू आर यू स्टिल पैशनेट अबाउट थिंग्स, बिकॉज इट सीम्स सो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यू नो, ये एक स्कूल की तरफ से एक मेमोरेंडम आता है कि अच्छा हमें अब ये चीजें करनी है, इसलिए हम एक्साइटेड हैं, और यू ऑल्सो फील यू हैव दैट एंथुजियाज्म एंड पैशन अलाइव फॉर टीचिंग दैट यू मस्ट हैव हैड यू नो इयर्स बैक व्हेन यू हैड स्टार्टेड टीचिंग.
प्राची, हम लोगों को ऑफलाइन टीचिंग की तो बहुत एक्सपीरियंस है, ब्लैक बोर्ड पे फटाफट लिखना, लैब में बच्चों को लेके जाना, एक्टिविटीज कराना, प्रैक्टिकल करना, डेमो देना, बहुत इजी था। लेकिन जब ये ऑफ ये जो ऑनलाइन हो गया तो उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम सी आई, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे लैपटॉप पे क्लासेस लेने का, जूम का नहीं पता था, गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन पेपर बनाना नहीं आता। तो धीरे धीरे चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट किया और इसको सीखा हमने पहले, कि पहले हम जब सीखेंगे तभी तो हम बच्चों को करा पाएंगे। अब आप सोचो ऑनलाइन क्लासेस में आप थ्योरी तो पढ़ा दोगे, प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करेंगे? तो उसके लिए भी जब हम लोग खुद घर में थे तो बहुत सारी चीजें हम स्कूल से ही लैब से ही लेकर आ गए थे, कुछ अपरेटर्स, कुछ केमिकल साथ लेकर आए थे, फिर कुछ चीजें हमें घर से ही उसको लिया हमने सिखाने के लिए, जैसे एसिड बेस सॉल्ट सिखाना या इंडिकेटर समझाना था तो घर से ही हल्दी भी ले लिया, उससे सिखाया हमने इस चीज को। और प्लांट्स सिखाने हैं तो घर में भी तो प्लांट्स हमारे पास होते हैं, तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और ये रूट्स वगैरह स्टेम सारे उनके पार्ट्स घर से भी सिखाए हमने चीजें लेके। तो बहुत सारी चीजें हमने घर से ही लेके सिखानी शुरू कर दी थी, क्योंकि स्कूल बंद थे, हम बहुत ज्यादा जाने और बहुत सारा सामान तो हम ला भी नहीं सकते थे ना, जितना हम कैरी कर सकते थे उतना ही लेकर आए, पर साइंस उतने में तो नहीं है ना, साइंस तो बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो खुद ही दिमाग लगाया और फिर बच्चों से पूछा, सपोज अगर ये चीज है तो आप कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? तो इवन स्टूडेंट्स ने भी कई बार आइडिया दिया है कि मैडम इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं। मैं कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम बहुत जल्दी साइंस सीख ही गए ऐसे ही घर बैठे बैठे। तो ऑनलाइन का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और धीरे धीरे हम भी इसमें अब क्या हो गए कि एक्सपर्ट हो गए हैं, अब पीपीटी भी बना लेते हैं, स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है, व्हाइट बोर्ड का यूज कर लेते हैं हम इसके अंदर, तो अब इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे तो अच्छा भी लगा इसमें ऑनलाइन क्लासेस में भी कि अब जैसे साइंस के कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हम लाइव कुछ भी नहीं दिखा सकते हैं, कोई डेमो नहीं होता, सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, तो फटाफट यूट्यूब से वीडियो शेयर कर दी कि आप ये देखो ये चीज ऐसे होती है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। इवन बच्चों ने भी फिर उसके बाद कुछ वीडियोज सेलेक्ट किए यूट्यूब से निकाले, उन्होंने कहा मैडम हमने भी कुछ वीडियोज सर्च किए हैं आप देखो, तो उनके भी वीडियोज हम देखते थे, तो हम मैं भी वीडियो दिखा रही हूँ, स्टूडेंट्स भी वीडियो दिखा रहे हैं, फिर हम उस पर डिस्कस करते थे। तो इस तरह से डिस्कशन में भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया इस चीज को, और मुझे लगा कि जैसे जो हमारी स्टडी रुक रही थी वो रुकी नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही स्मूथली चलती है जैसे ऑफलाइन में चलती थी। तो ये बहुत अच्छा लगा बच्चों ने, पेरेंट्स ने। मनोरमा जी, जैसे डेफिनेटली मनोरमा जी, आप चलते हैं थोड़ा यू नो 30 इयर्स डाउन द लाइन, और पहले जब आपने कभी प्रोफेशन अपना चूज किया होगा, यू नो व्हेन यू वर प्रोबेबली इन 12th स्टैंडर्ड और समथिंग, व्हेन यू वर सपोज टू चूज योर स्ट्रीम्स, हाउ डिफिकल्ट वाज योर, क्या था जो आपको एनकरेज किया कि साइंस ऑप्ट करते हैं एंड लेट्स गो फॉर साइंस एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू? एंड सेकंड क्वेश्चन एडिंग टू दैट, कि साइंस तो लिया एंड देन टीचिंग प्रोफेशन चूज करना, यू नो साइंस टीचर बनने का ख्याल कहाँ से आया, एंड व्हाट इज द मोटिवेटिंग फैक्टर और व्हाट हैज बीन योर एनकरेजमेंट थ्रू आउट योर लाइफ जिसको लेके आप अभी यहाँ तक पहुंचे हो? एक्चुअली प्राची सही बताऊं तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जब आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, माय साइंस टीचर अप्रिशिएटेड मी ऑन माई टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर कुछ जैसे सिंपल टेस्ट पेपर होते थे वैसे ही टेस्ट पेपर मैंने किया था, पर उसमें एक चीज थी कि मैंने फिश का डायग्राम बहुत अच्छा बनाया था। उस टीचर को मेरा फिश का डायग्राम इतना पसंद आया, फिश का रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें शो किया था, और उन्होंने बस पूरी क्लास में मुझे मेरा नाम लेके मुझे बुलाया अपने पास, और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं स्टेज पे खड़ी हूँ, पूरी लाइट मेरे ऊपर फोकस कर रही है। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे, मुझे एक तरह से नोबल प्राइज मिल गया उस वक्त। और दैट्स टाइम मुझे साइंस में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ उसी वक्त से, और मुझे वो टीचर भी बहुत अच्छी लगने लगी, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था 7th स्टैंडर्ड में कि मैं अगर टीचर बनूंगी तो साइंस की ही टीचर बनूंगी। जैसे ये मेरी नीता अग्रवाल मैम थी, वो मेरी, मुझे अभी भी उनका नाम याद है, उनकी शक्ल याद है, और मैंने वो अपना वो टेस्ट पेपर काफी टाइम तक अपने पास रखा भी था, हमेशा उस टेस्ट पेपर को खोल के देखती थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं सोचती थी जिस तरह से ये टीचर है ना, कितनी चीजें एक्सप्लेन करती है, हमें समझाती है, मैंने भी अपना ऐसा ही लाइफ में करना है, मैं जितना जानती हूँ उतना मैंने सारा कुछ अपने बच्चों को बताना है। तो आई होप कि मैं वैसी टीचर बन भी पाई हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत प्यार भी करते हैं, पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे लगता है बस मेरा ही जैसे मेरी लाइफ का जो अचीवमेंट है वो मेरा कंप्लीट हो गया इन स्टूडेंट्स की स्माइल से देख के। तो
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस टीचर के लिए तो ये था कि अगर वो नहीं आती थी स्कूल तो मुझे लगता था आज मेरा स्कूल जाना बेकार हो गया, मैं बोर हो गई हूँ स्कूल के अंदर। तो मुझे उस टीचर का स्कूल में आना जरूरी था उस टीचर के लिए। तो बस तभी से मेरा ये डिसीजन था कि मैं टीचर ही बनूंगी। और उस टाइम पे मेरे जो छोटे भाई थे होते थे तो मैं उनका होमवर्क खुद ही करती थी, उनकी प्रैक्टिकल फाइल को खुद ही बनाती थी, उनको बनाने ही नहीं देती थी कि मुझे करना है, मैं कर देती हूँ तुम्हारा ये काम। तो बस तब से ही था कि मैं बस टीचर ही बनूंगी, और उसके अलावा तो ज्यादा कुछ इतना सोचा भी नहीं था। तो बस साइंस से प्यार भी होने लगा इस चीज में। बहुत कम लोग होते हैं जो वो सोचते हैं और उनको वो चीजें मिल जाती हैं। एंड एज यू थॉट दैट यू वांटेड टू बी अ टीचर एंड दैट टू ऑफ साइंस, यू हैव अचीव्ड इट। एंड ऑल द वेरी यू नो थैंक्स टू नीता अग्रवाल मैम, आप जहां भी हो आप प्लीज ये शो देखिए। एंड मनोरमा जी को आपने इतना ज्यादा इंस्पायर किया है दैट शी हरसेल्फ इज अ टीचर नाउ, एंड आई बिलीव शी इज अ ग्रेट टीचर, शी इज डूइंग रियली गुड फॉर हर स्टूडेंट्स एंड फॉर हर सेल्फ एज वेल। तो मनोरमा जी, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग साइंस टू योर स्टूडेंट्स? अभी आपने बताया कि यू नो टर्मरिक वगैरह इस तरीके से भी हम पढ़ाते हैं, बट हमने ये भी एक पैराडाइम शिफ्ट देखा है स्टडीज में कि स्टूडेंट्स जो है जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती थी और नॉर्मल लैब एक्सपेरिमेंट्स होते थे जहां पे हम सिर्फ एक नॉर्मल रीडिंग निकाल देते थे, यू नो वर्नियर कैलिपर यूज करके कभी कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया, यू नो अनियन पील का एक एक्सपेरिमेंट किया, बट दैट लैब एक्सपेरिमेंट भी और एक्सटेंड होके रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स में आने लगे हैं जो अब हम एक एटमॉस्फेयर देखते हैं साइंस का। सो व्हाट इज योर आइडिया ऑफ टीचिंग साइंस एंड हाउ डू यू वांट स्टूडेंट्स टू कंज्यूम इट? मतलब क्या एक आइडिया होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए? और कभी कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जब आपको किसी स्टूडेंट ने सिखा दिया हो कि मैम ये सही तरीका है, हम इससे करेंगे तो और चीजें अच्छी हो जाएंगी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? बिकॉज ये हमारी लाइफ में हर वक्त होता है, कभी हमारे जूनियर्स आके यू नो हमारे स्टूडेंट्स आके हमको, हमारे छोटे आके हमको कुछ सिखा जाते हैं। तो हैव यू एवर एक्सपीरियंस एनी सच काइंड ऑफ अ थिंग विद यू इन योर एंटायर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। एक्चुअली मैं जब साइंस पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे ये लगता है कि इन बच्चों को इन्वायरमेंट से रिलेट किया जाए। पहले तो इन्हीं से पूछो कि आपने ये चीज़ कहीं देखी है, आपके किचन में होगा, आपके बेडरूम में है, आपके स्कूल बैग में है ये चीज़। साइंस तो एवरीवेयर ना, कहीं कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे साइंस नहीं है। तो साइंस तो हर जगह, वहाँ से आप ढूंढिए इस चीज़ को कि वो कहाँ है। बच्चों से हम मॉडल बनवाते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं। सपोज एक प्रॉब्लम लिया था मैंने वाटर क्राइसिस पे, उस पर प्रोजेक्ट बनाने को बच्चे को कहा था, तो बच्चे ने बहुत अच्छा मॉडल बनाया, प्रोजेक्ट बनाया। तो जब मैंने उसे पूछा इतना अच्छा तुमने कैसे बनाया, तो वो कहता कि मैडम मैंने जब बनाना स्टार्ट किया तो मेरी मम्मा ने मेरी हेल्प की, उन्होंने बहुत कुछ मुझे इस चीज़ में समझाया। तो मैं कह रही वाह तो वेरी गुड, तुम्हारी मम्मा भी तुम्हारी हेल्प करती है इस प्रोजेक्ट। और बहुत अच्छा उसने मॉडल प्रिपेयर किया था कि मैं सोच नहीं सकती उसने कैसे ये मॉडल बनाया। और उसकी मदर को फिर मैंने बुलवाया भी था कि आप इसकी इतनी हेल्प करते हो, ये बच्चा देखना बहुत अच्छा करेगा। और बच्चों को ये बोलते कि आपने जो भी मॉडल या प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी एक्टिविटी आपने करनी है, तो उसके अंदर आपने घर की चीज़ों का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है। प्लास्टिक, थर्माकोल, इनका यूज़ नहीं करना क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो हम उनसे अपनी जो भी सोशल लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है वो भी उनके साथ शेयर करते हैं। जैसे आपका पॉल्यूशन हो गया, कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन करना है आपने, और आपका और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एनर्जी पे, रिसोर्सेस पे, तो आप इस पे करो। जैसे मैंने एक बार प्रोजेक्ट लिया था कि सेव ट्री हम करते हैं, प्लांटेशन प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो बच्चे इस पे पोस्टर बनाते हैं, वो भी पेपर पे शीट पे बनाते हैं। तो हमने उसको बंद किया कि शीट पे नहीं बनाना, सेव ट्री तुम कर रहे हो शीट पे पेपर बना रहे हो, तो सेव ट्री तो नहीं हुआ ना ये आपका। तो आप इसको कहाँ इसको करेंगे, फिर आप इसको अपनी टी शर्ट पे, जो आपके पास पुरानी टी शर्ट है उस पर पेंटिंग से बनाइए, एम्ब्रॉयडरी से बनाए, क्विल्टिंग करो, टी शर्ट ले लो, दुपट्टा ले लो, हैंकी ले लो, कुशन कवर ले लो, बेडशीट ले लो, इस पे आप चीज़ों को ड्रॉ कीजिएगा। तो बच्चों ने वाकई में रियली इतना सुंदर बनाया उस चीज़ को कि मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना। हम जितना बताते हैं बच्चे तो उससे कहीं ज़्यादा कर जाते हैं। तो बहुत अच्छा था ये सब कुछ। और जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि आपका बर्थडे आता है, आप रिटर्न गिफ्ट देते हो अपने फ्रेंड्स को, तो रिटर्न गिफ्ट में आप उनको दूसरी चीज़ें दो ना, थोड़ा सा चेंज करो, अपने आपको मैग्नेट दे दो, कंपास नीडल दीजिए, लेंसेज दीजिए उनको, तो उनके पास भी उनका अपना कलेक्शन हो जाएगा। तो बच्चों ने वाकई में ऐसा किया भी है कि उन्होंने क्लाइडोस्कोप लेके अपने फ्रेंड सर्कल को दिया, फिर बच्चे आके बताते कि मैडम इस बार मेरा बर्थडे था तो मैंने ये रिटर्न गिफ्ट दिया था। मैं कहा वेरी गुड, यही चीज हमें चाहिए। That's very nice. दे सके बच्चे भी इस बात को समझे
कि क्या है, क्यों स्टूडेंट्स के लिए समझाना जरूरी है, क्योंकि यही तो बच्चे आगे बड़े होंगे, सोसाइटी में जाएंगे. और एक चीज और है प्राची, कि जो टीचर होता है ना, वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सोसाइटी का, और टीचर की बात हर कोई मानता भी है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे पेरेंट्स हो. तो हमारी एक ड्यूटी बनती है कि सोसाइटी में जो भी मिथ है या जो भी कुछ नेगेटिविटी है उसको दूर करें, हम स्टूडेंट्स को समझाएं, हम उस चीज को बहुत अच्छे से साइंस से रिलेट करते. समझाने के बाद वही स्टूडेंट फिर जब अपने घर में भी तो जाता है, अपने पेरेंट्स को कुछ गलत होने पर, गलत करने से रोकता भी है, बताता भी है कि ऐसे मेरी टीचर ने बताया. जैसे सिंपल सा एक चीज है, पता हम सबको है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है, पर फिर भी हम नहीं करते घर में, क्योंकि भूल जाते हैं. भूल क्या जाते हैं, हमारी हैबिट में नहीं होता. तो उसको हैबिट में लाना बहुत ही जरूरी है. तो स्टूडेंट्स को हम स्कूल में भी कहते हैं, जब आपके दूसरे पीरियड में जाते हो या किसी एक्टिविटी क्लास में के लिए आप जाते हो, तो अपने रूम का स्विच ऑफ करेंगे, फैन को, लाइट ऑफ रखेंगे, टैप अपना अननेसेसरी ओपन करके नहीं रहेंगे. तो बच्चों के एक हैबिट में आएगा तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो सॉल्व हो जाएंगी. जो इतनी प्रॉब्लम्स आती है हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो सब कुछ ठीक हो जाएगी धीरे धीरे करके. तो यही हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसा बच्चे करें. और जैसे कि अभी सपोज जी बहुत मजा आ रहा है. हाँ, yes, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ कि इस तरह से. जैसे अभी वैक्सीनेशन के लिए आया था गवर्नमेंट से कि सबको वैक्सीनेशन करना है, तो उसमें भी जब मैंने क्लासेस लेती हूँ तो वैक्सीनेशन को जरूर इसमें फोर्स करती थी कि आप अपने पेरेंट्स को बोलें कि वो वैक्सीनेशन के लिए जाएं, क्योंकि बहुत जरूरी है. आप घर में बैठे हो, क्यों बैठे हो, क्योंकि पैंडेमिक कंडीशन है. अब सभी लोग अगर वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हो सकता है आपके स्कूल खुल भी जाए, आप स्कूल आने लग जाएंगे, स्कूल को एंजॉय करेंगे. तो बच्चे इस बात को समझते भी हैं. हेलो प्राची, आई एम ऑडिबल. प्राची आई थिंक योर फ्रेम इज फ्रीज्ड. So there was some issue, it happens all the time and we all have made peace with it, क्योंकि अब इंटरनेट के जमाने में है और इंटरनेट की स्पीड अभी दिल्ली एनसीआर में कितना बढ़िया सा हो रहा है, बट इट कम्स विद अ कॉस्ट. हमारे इंटरनेट की बहुत बुरी हालत हो जाती है एंड दैट्स वॉट एवरी वन इज एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. एंड सॉरी फॉर द इंटरनेट कट दैट हैपेंड बिटवीन ऑल द व्यूअर्स एंड बट कंटिन्यूइंग हियर. दो वी हैव एक्सीडेड आवर टाइम लिमिट मैम, और बहुत ज्यादा चीजें हमें आपसे जानने को मिली है. Much. Yeah. So I was just saying that it has been a great success to have such teachers like you, and we are going to have a wonderful future of students just because of your efforts that you are putting up here. And there is a very bad connectivity today in entire Delhi NCR region, I believe so, because it is happening from my end and at your end as well. But thank you so much, Manorama ji, for joining us here and the viewers for watching us live. And if you have missed any of the science shows, please go to our YouTube channel, Engagement Science, and watch any of our missed programs if you have any. And please download India Science app for more fun and interactive content on science. See you next time. Bye-bye. Bye.